हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे मलाई से घी को सीक्रेट तरीके से। तो ये हमने अपनी मलाई को ले लिया एक बड़े से टब में। अब हम उसे अच्छे से फेटेंगे। जब ये अच्छे से हम इसे फेट लेंगे तो ये आप देखेंगे थोड़ी देर बाद इसमें से जो दूध है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो अभी आप इसको अच्छे से फेटते रहिए, मिलाते रहिए। अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे इसने दूध को छोड़ना शुरू कर दिया है। वैसे आप ये चीज़ मिक्सी में भी कर सकते हैं, अगर लाइट नहीं है तो आप इस तरीके से हाथ से ही करिए। और ठंड का टाइम है तो फिर ठंड के टाइम में हम लोग इसमें फ्रेश पानी यूज़ करेंगे। अब हम इसमें फ्रेश पानी डाल के इसको एक दो बार अच्छे से धो लेंगे। और अगर गर्मी का टाइम है तो गर्मी के टाइम में हम बिल्कुल एकदम ठंडा ठंडा पानी डालेंगे, इससे हमारी मलाई बहुत अच्छी निकलती है। अब आप ऐसे अगर फेट के मलाई बनाएंगे तो जो हमारी खोजर होती है वो हमारी बहुत ही जरा सी निकलेगी और हमारा घी भी इससे ज़्यादा निकलेगा। तो अच्छे से धुल लेने के बाद अब हम इसको कढ़ाई में डाल लेंगे। और हाँ, कढ़ाई की गैस को ना ज़्यादा तेज रखिए ना ज़्यादा हल्का, मीडियम गैस पर रखिए। मीडियम गैस पर इसको अच्छे से पकने दीजिए। अब आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि घी बिल्कुल अलग अलग ऊपर से ही बिल्कुल अलग दिखने लगेगा। इसकी पहचान कि आप कैसे करेंगे कि अभी हमारा घी बन चुका है, एकदम तैयार है। तो आप देखिए घी बिल्कुल ऊपर अलग आ जाए तो हमारा घी तैयार है। अभी छलनी की मदद से घी को छान लीजिए। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारा आधा टिफ़िन और एक हमारा जो बड़ा सा बाउल है वो पूरा भर चुका है कम खोजर में। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।